अस्पताल के पर्दों का रंग हरा क्यों होता है? सर्जरी और ऑपरेशन में डॉक्टर क्यों पहनते हैं हरे कपड़े? हरा रंग पहनना विज्ञान या सिर्फ परंपरा और धारणा? अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर सफेद एप्रन पहने नजर आते हैं, लेकिन अस्पताल में पर्दे ग्रीन कलर के होते हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर सफेद कोट उतारकर नीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वे लाल, पीले, नीले और रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनते? हम सब कभी ना कभी तो हॉस्पिटल जरूर गए भी होंगे, लेकिन हॉस्पिटल में एक चीज सबने देखी होगी लेकिन नोटिस नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या डॉक्टरों और अस्पताल का कोई कोड होता है? आइए आपको समझाते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। दरअसल पहले डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वक्त सफेद लिबास पहनते थे, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक जाने माने डॉक्टर ने सफेद को हरे रंग में बदला। उन्हें लगा कि ऐसा करने से ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ की आंखों को सुकून मिलेगा। कुछ शोधकर्ताओं और एक्सपर्ट का भी मानना है कि हरा रंग हमारे सामने आते ही मन शांत होता है और मन को शांत रखने के लिए हरे रंग के कपड़े पहनना जरूरी है। कई बार डॉक्टर्स को लंबे वक्त तक ऑपरेशन थिएटर में रहना पड़ता है, ऐसे में उनको बार बार खून के लाल रंग के कण देखने पड़ते हैं। लंबे वक्त तक आंखों के सामने लाल रंग रहने से उनकी आंखों पर काफी जोर पड़ता है। ऐसे में मुमकिन हो सकता है कि डॉक्टर्स सर्जरी पर फोकस न कर पाएं। उनकी आंखों को लगातार लाल रंग ना देखना पड़े, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। विजुअल एक्सपर्ट का भी मानना है कि लाल रंग पर लगातार फोकस करने के बाद अगर ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर्स सफेद रंग की सतह देखेंगे तो उन्हें हरा रंग दिखने लगेगा। ऐसा एक भ्रम पैदा होता है, यानी अगर सर्जन मरीज के रेड बॉडी टिश्यूज को लगातार देखने के बाद अपनी नजर सफेद कोट या सफेद सर्जिकल मास्क पहने सहयोगियों पर पड़ेगी तो हरा रंग का छाया भ्रम हो सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे विजुअल इल्यूशन कहते हैं। दरअसल सफेद प्रकाश और इंद्रधनुष के सभी रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल समाये होते हैं। चूंकि लाल रंग के प्रभाव से आंखों को सफेद सतह पर से भी हरा रंग देखने को सिग्नल मिलता है, ऐसे में डॉक्टर जब मरीज के लाल हिस्सों को देखने के बाद पहले से ही ग्रीन या ब्लू लिबास पहने अपने सहयोगियों को देखेगा तो हरे रंग का छाया भ्रम उन्हें धुल जाएगा और किसी किस्म का विजुअल डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, ज्यादातर अस्पताल के स्टाफ कर्मी, नर्सें भी हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। कहते हैं कि पहले डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान सभी कर्मचारी सफेद कपड़े पहनते थे, लेकिन साल 1914 में एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक ड्रेस को हरे रंग में बदल दिया। तभी से चलन बन गया और डॉक्टर्स हरे व नीले रंग के कपड़े पहनकर और डॉक्टरों ने अस्पताल के में भी पर्दे हरे रंग के लगाने का प्रयोग शुरू किया। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आप किसी एक रंग को लगातार देखते रहते हैं तो आंखें थक सी जाती हैं। किसी चमकदार चीज या सूरज की रोशनी की तरफ देखकर भी एकदम आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। हम जल्दी कोई चीज ठीक से नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप हरे रंग को देखते हैं तो आंखों को सुकून मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।